بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. मश्क नंबर 3 जो है उसमें आपको जैसे कि बता दिया गया है कि सिंपल है, बस आपको ये मुज़क्कर दिया हुआ है, यानी ये फेल है खराजा, उसका फ़ाइल है मुहम्मद, यानी ये खराजा मतलब वो निकला, कौन निकला, मुहम्मद निकला, ठीक है, मुहम्मद निकला। तो खराजा को हम लोग क्या कहेंगे, खराजा फेल है, और मुहम्मद क्या है, ये फ़ाइल है, ठीक है, ये बता दिए थे अभी पिछले वीडियो में आपने देख लिया होगा, फाइल, ठीक है। और क्या सबूत है कि फाइल है, मंसूर ए मरफू है, डूअर हमेशा मरफू होता है, ठीक है, फाइल हमेशा मरफू होता है, मोहम्मद निकला मिल गई थी। अब आपको चेंज करना है ये चीज़, तो डूअर चेंज करना है, खरजा वही फेल निकलने का माने होगा, लेकिन मोहम्मद को क्या करना है, मुजक्कर से मुअन्नस करना, ठीक है। तो जैसे मिसाल यहाँ दिया हुआ, एग्जाम्पल के आमिनतु, ये मुअन्नस हो गया फाइल, ठीक है, फाइल मुअन्नस है। अब मुअन्नस होगा तो खराजा नहीं होगा, ये खराजत लाना पड़ेगा आपको, तो खराजा में क्या आपको ऐड करना होगा, खराजत, ठीक है, ये करना है। तो ज़हब अल मुदर्रिसु दिया हुआ यहाँ पे, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, मुदर्रिसतु कर देना है यहाँ पे फेमिनिन, ठीक है। अब ज़हबा नहीं होगा, अब क्या होगा, ज़हबत हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब भी ऐसे ही, जलसत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, खराजत, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल ये थोड़ा देखना होगा, ये एग्जाम्पल, ठीक है, जलसा तालिब, यानी कि स्टूडेंट बैठा, शागिर्द बैठा, फिल फर्स्ट क्लास में, द स्टूडेंट सैट इन द क्लास रूम, ठीक है। और ये वाला जो है इसको कैसे हम लोग मुअन्नस करेंगे, यानी कि अब तालिबो का क्या करना है, मुअन्नस करना है, ठीक है, यानी ये मुजक्कर है तो उसका मुअन्नस मुअन्नस पता बनाना होगा, तो अब मुअन्नस क्या होगा, अब तालिबतु, ठीक है, अब तालिबतु मुअन्नस हो गया। अब क्या करना है, फेल लाना है, मैंने बैठना हुई ना कहना, बैठने के लिए क्या फेल है, जलसा, लेकिन जलसा काफी होगा क्या, नहीं, अब फाइल मुअन्नस है तो अब जलसत लाना होगा, ये गर्दान, ये पैटर्न फेल का, ये कंजुगेशन लाना पड़ेगा, जलसत लाना पड़ेगा, जलसत अब तालिबतु, लेकिन यहाँ पे एक मसला है, अब तालिबतु जो है ये शब्दा है, ठीक है, जलसत अब कैसे पढ़ेंगे मिला के, यहाँ पे दो सुकून आ गया, जलसत अब तालिबतु, ये देखिए, ये जो अलिफ लाम जो ऐड करते हैं हम लोग मारिफा बनाने के लिए, ये तो वसल, इसको तो पढ़ा नहीं जाता है, शुरू में आएगा तो पढ़ेंगे, कहीं बीच में आएगा तो पढ़ते नहीं, तो ये तो पढ़ा नहीं जा रहा है, और ये लाम भी पढ़ा नहीं जा रहा है, क्योंकि पौ जो है, पौ ये शमसी है, तो ये लाम भी नहीं पढ़ रहे, तो ना ये हमजा पढ़ रहे, ना ये लाम पढ़ रहे। अब पौ जो है, पौ के ऊपर क्या शद्दा है, शद्दा मतलब क्या, सुकून, शद्दा मतलब सुकून है और फतह है, तो देखा जाए तो ये जो पौ है, ये एक्चुअली में क्या है, दो ता है ना, खोला जाएगा तो कैसे दिखेगा, दो ता, पहले वाले ता में सुकून, दूसरे वाले ता में क्या है, फतह, इसको अगर खोलते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इससे पहले क्या है, ये ता है, ये वाला ता जमा हो गया, ये ता को ऊपर लिखते, तो दो सुकून हो जा रहा है, दो सुकून को कैसे हम लोग हल करेंगे, तो यही बताया जा रहा है कि इसको हल करने का तरीका, यही चीज यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये जो दो सुकून, ये जो अब इसको पढ़े कैसा, जल सतालिबतु, जल सतु तालिबतु, जल सति तालिबतु, तो तरीका क्या है, जल सती, ये कसरा हो जाएगा, ठीक है, जल सति तालिबतु, ये मिला के पढ़ना पड़ रहा है, ये ती जो हुआ है ना, ये एक्चुअल में ये सुकून ही है, लेकिन बस पढ़ने के लिए ऐसा हो गया, क्योंकि दो सुकून जमा हो गया, दो सुकून समझ गए आप लोग कैसे जमा हुआ, ता के ऊपर एक सुकून है, और ये शद्दा में एक्चुअली सुकून होता है ना, पहले वाला पाँव में सुकून, तो दो सुकून जमा हुआ, इसको तो कुछ हरकत देना पड़ेगा, क्या हरकत देते हैं, अरब वाले कसरा देते हैं, सेम इकामत जब दी जाती है, कद कामत है, कद कामत अस्सला है, लेकिन क्या पढ़ते हैं, कामत में कद कामत अस्सला, कामत ही पढ़ते हैं, यही बताएंगे हल, दो सुकून अगर जमा हो जाए इस तरीके से, जैसे यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे इसका अलग अलग कायदा आ रहा है, इस फेल इस तरह का जो फेल मुअन्नस फाइल जब हो, जब ये जलसत जहाबत खरजत वगैरह का सीखा हो, उसके बाद अगर अलिफ लाम आ जाता है, तो हल कैसे करते हैं, कसरा दे करके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये ऐसे किया जाता है।
ठीक है। उसके बाद अल्लज़ी और अल्लती का एक्सरसाइज है, आपको बस पढ़ना है इसमें, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है, मन अल्लज़ी और अल्लती, बस सेम ईजी है। मनिल फता, जो इस तरह का एग्जांपल सभी चैप्टर में गुजरा है ना, मनिल फता कौन है नौजवान, हु इज द यंग मैन, अल्लज़ी जो, खरजा मिन खरजा जो निकला, मिन बैती, ये बैती हो जाएगा, बैतू से बैती, मिन हर जर जो निकला तुम्हारे घर से, मैं बई तुक्का था, मीन आने से बैतिका हो गया, अल आना कौन है नौजवान जो जो निकला तुम्हारे घर से, अल आना अभी, जो अबर हुआ, हुआ बनु अम्मी, ला चुका, वो मेरे चचा का बेटा है। लेकिन अगर कहना चाहेंगे कौन है वो नौजवान लड़की, हु इज द यंग गर्ल, अल्लज़ी जो के लिए क्या आएगा, अल्लती आएगा, बाकी सबसे में देख रहे अल्लज़ी के बदले अल्लती आ गया, क्यों अल्लती आया, क्योंकि ये मुअन्नस है। और खरजा के जो निकला, मुजक्कर निकला था, लेकिन यहाँ पे जो निकली है ना तो खरजत होगा, खरजत लाना पड़ा, ठीक है। बाकी सब सेम है, मिन बैतिकल आना या मोहम्मद, ठीक है, या बिन्तु खालती, वो मेरे खाला की बेटी है, ये समझ गए ना। तो अल्लज़ी अल्लती जो है ये गैर आकिल गैर आकिल दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। जो कौन, जो सेम है, अलफता यानी कि नौजवान, जो द मैन हु, who is the man, who is the young man who went out, who is the young girl, who is the young woman who went out, कौन है वो नौजवान जो, कौन है वो नौजवान लड़की जो, ठीक है। ये अकल वाले के लिए था, अल्लज़ी अल्लती इस्तेमाल हो रहा इंसान के लिए, लेकिन ये चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि अल्लज़ी अल्लती चीज थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे लिमन अल मिफ्ताहु, लिमन किसकी है, अल मिफ्ताहु चाबी। अब देखिए लिमन ये असल में मन है, लिमन है, लेकिन अलिफ लाम है, दो सुकून मिल जा रहा है, कैसे इसको हल कर रहे हैं, कसरा देकर, लिमन लिमन अल मिफ्ताहु, लिमन अल मिफ्ताहु, लेकिन पढ़ने के लिए दो सुकून जमा हो गया इसलिए हल क्या कर रहे हैं, इसको कसरा दे दे रहे हैं। तो लिमन अल मिफ्ताहु चाबी किसकी है, लिमन अल मिफ्ताह चाबी किसकी है। अब वजात आ रहा है जो, यानी कौन सी चाबी, जो अलल मकतबी, जो मेज पर है, माने कि लिमन अल मिफ्ताहु अल्लज़ी अलल मकतबी, यानी कि चाबी जो मेज पर है, लिमन किसकी है, ठीक है, किसकी है वो चाबी जो मेज पर, ऐसे भी तर्जमा कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, चाबी जो मेज पर है लिमन किसकी। अब अरबी में क्वेश्चन वाला पार्टिकल या इसे पहले लाया जाता है, ठीक है ना, इसलिए पहले आया ये, ठीक है। या तर्जमा ऐसे भी कर सकते हैं, तर्जमा ऐसे भी हो सकता है कि चाबी जो मेज पर है वो किसकी है, ऐसी भी तर्जमा हो सकता है, किसकी है वो चाबी जो मेज पर है, अल्लज़ी मतलब जो, और अल्लज़ी के बाद कुछ ना कुछ आना है, क्या जो, वो जो वजाहत करता है, जैसे कि ये जो इस ऊपर में क्या था, अल्लज़ी नौजवान जो, कौन जो, जो निकला आपने, जो निकला तुम्हारे घर से अभी, यहाँ पे चाबी जो, जो क्या, जो मेज पर है वो किसकी है, जवाब हुआ वो चाबी लिल मुदर्रिसी, मुदर्रिस की है, इट बिलोंग्स टू द टीचर। सेम अब यहाँ पर घड़ी है, घड़ी किसकी है, अब घड़ी मोन्ना से तो अल्लज़ी नहीं आएगा, क्या आएगा, अल्लती आएगा, तो घड़ी जो बेड पर है वो किसकी है, समझ रहे हैं, लिमनिस साथ कि लिमन किसकी है वो घड़ी जो बेड पर है, या फिर घड़ी जो बेड पर है वो किसकी है, जवाब हिया ली जौजी उख्ती, हिया ली जौजी उख्ती, वो मेरी मेरी बहन के शौहर की है, बहनोई की, यानी कि हिया यानी कि वो घड़ी, हिया यानी कि वो घड़ी, ली ली माने किसकी है, वो ज़ौजी उख्ती, ये मुदाफ मुदाफ ली, ठीक, ज़ौजी उख्ती, ये दो मुदाफ मुदाफ ली, एक मुदाफ ली ये है और एक मुदाफ ली ये है, ठीक है, एक मुदाफ ली ये बहन के बहन का शोहर, और एक है मेरी बहन, ये दो मुदाफ, यानी मेरी बहन के शोहर की है, वो घड़ी मेरे बहन के शोहर की है, ली माने के लिए, बिलोंग्स टू, ही अली ज़ौजी उख्ती, वो मेरे बहन के शोहर की है, कहाँ से आ रही है, वो मेरे बहन के शोहर के लिए तर्जमा हो सकता है, लेकिन यहाँ तर्जमा सही मुनासिब क्या होगा, के
मेरे बहन मेरी बहन के शौहर की है, ली का मतलब के लिए नहीं, की इंग्लिश में होगा इट बिलोंग्स टू द हस्बैंड ऑफ माय सिस्टर। ठीक है, तो देखिए अल्लजी अल्लती मुजक्कर मुअन्नस, और ये चीज़ों के लिए इंसान के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, आकिल के लिए और गैर आकिल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। अब यहाँ पर आपको क्या बहुत ईजी एक्सरसाइज है पीछे में, ये आपको जो है ये अल्लजी डालना है या अल्लती डालना है, बहुत सिंपल है। मुजक्कर होगा तो क्या डालेंगे, अल्लजी, तो अल किताब, अल्लजी किताब जो अदल मकतब जो मेज पर है, लिल मुदर्रिस टीचर की है। ठीक है, बाकी सब भी ऐसे ही है। अल कलम, कलम पेन क्या होगा, अल्लजी, अल्लजी जो क्या, जो फी हकीबती जो में, किसमें है, हकीबती जो मेरे बैग में है, मकसूर खबर है ये। असल जुमला क्या है, अलकलम, अलकलम मुक्तदा है और मकसूर खबर है, कलम टूटा हुआ है, लेकिन अब वजाहत करें कलम जो मेरे बैग में है वो टूटा हुआ है। ठीक है, तो अब असयारतों में क्या है, अल्लती, किस तरीके से क्या आपको भरना है सेंटेंस, अल्लजी या अल्लती, अल्लजी या अल्लती आपको डालना है। ठीक है, ये इसका तर्जमा आपको समझना होगा। ठीक है ना, अब अल्लजी डाली अल्लती डाली, उसके बाद क्या करना आपको तर्जमा करना पड़ेगा, उसका पूरा सेंटेंस समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, पूरा सेंटेंस समझ में आना चाहिए, यहाँ जो 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 अल्फाज यहाँ पे आ रहा है इसका सेंटेंस आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एक एक चीज का तर्जमा क्लियर होना चाहिए इस तरीके से, जैसे कि मसलन अल बैतु अल जदीद, नया घर, नया घर, नात्मनुक नया घर, अल्लजी जो जो है, कहाँ है, फी जालिका उसमें है, उस क्या, उस रोड शारे मन स्ट्रीट, नया घर जो उस सड़क पे है, द न्यू हाउस विच इज इन दैट स्ट्रीट, फिदालिका अशारई, ये मजरूर होगा, क्यों मजरूर है, क्योंकि जालिका मजरूर है, जालिका कैसे मजरूर है, फी है ना, फी के बाद जालिका आया, उसमें है, फी जालिका मतलब उसमें है, वो में, यानी उसमें, इन दैट, और जालिका का बदल क्या, अशारे, यानी कि इन दैट वर्ड, इन दैट स्ट्रीट, इसीलिए अशारे मजरूर है, अशारे मजरूर क्यों, क्योंकि जालिका मजरूर है, जालिका मजरूर क्यों, क्योंकि फी, फी के बाद आ रहा है, ये से जार मजरूर है, फी जालिका, जालिका मबनी है, इसलिए अपना हलत शो नहीं कर रहा, लेकिन जालिका का बदल के अशारे है तो अशारे मजरूर होगा। तो क्या खबर क्या है, नया घर जो उस रोड में, उस स्ट्रीट में है, लिल वजीरी, ये खबर है, तो मुब्तदा क्या है, अलबैतु, ये मुब्तदा होगी, और लिल वजीरी क्या होगी, खबर होगी। इस तरीके से आपको अल्लजी डालना है या अल्लती डालना है, लेकिन मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एक एक करके डालिएगा, ये भी होमवर्क रहेगा आपका, कौन कौन सा होमवर्क दिया गया, ये लेसन, ये समझना है तर्जमा, मीनिंग समझ में आना चाहिए, ये छः नंबर, ठीक है, छठा जो मश्क एक्सरसाइज, ये होमवर्क में करना है, अल्लजी अल्लजी डालना, पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा अरकात के साथ, और होमवर्क में दिया गया आपको ये, ठीक है, ये दो नंबर सेकेंड वाला मश्क, ये पूरा करना होगा नेक्स्ट क्लास के पहले, इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद नया अल्फाज हम लोग क्या सीखें इस चैप्टर में, अल आम, आम अलआम, अलिफ लाम हटा दे तो अमुन, अमुन मतलब चचा, चचा को क्या कहते हैं, अखुल अबी, अखुल अबी मुदाफ मुदाफ भाई, भाई किसका भाई, अल अबी बाप का भाई, वाओ क्यों आ गया, जाहिर बताएं, अबुन और अखुल लफ्ज में जब मुदाफ बनता तो वाओ जाहिर हो जाता है, अखुल अबी माने बाप का भाई, ब्रदर ऑफ द फादर। ठीक है, सेम अम्मतु क्या है, अम में अगर बोलता लगा दे अम्मतुन, ठीक है, ये क्या हो गई, चची नहीं बल्कि बाप की बहन, उख्तुल अबी बाप की बहन, वालिद की बहन, यानी कि क्या हो गई, फूफी। ठीक है, अलखालू, खालू का किसको कहते हैं, मामू को कहते हैं, खालून अलिफ लाम हटा दे तो खालून, खालू किसको कहते हैं, मामू को, यानी कि अखुल उम्मी माँ का भाई, मुदाफ मुदाफ नहीं सब, अखुल उम्मी माँ का भाई, यानी कि मामू, और इसमें बोलता ऐड कर दें, खाला, खाला अरबी का खाला, उर्दू का खाला बराबर है, उर्दू की खाला अरबी की खाला बराबर है, उख्तुल उम्मी माँ की बहन, उख्तुल उम्मी। ठीक है, सईदी माने मोहतरम या जनाब, सैदती यानी कि मोहतरमा, सर मैडम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, मुस्तशफल विलादती मेटर्निटी हॉस्पिटल। ठीक है, ये तक है आपका, तो होमवर्क जो बताया गया वो कर लीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो इंशाल्लाह लेसन जो है 13 ये करेंगे, जिसमें प्लूरल्स आ रहा है, प्लूरल अरबी में प्लूरल का कॉन्सेप्ट जमा पहले दफ़ा आ रहा है। ठीक है, अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हम लोग अरबी सीखना सिखाना आसान करे, आमीन या रब्बल आलमीन, सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका वअतूबु इलैक।